केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर सवाल उठाए। बोले, पहले उनसे पूछिए कि वे कौन से गठबंधन में हैं, वे पहले फैसला करें कि एनडीए में हैं या फिर आरजेडी गठबंधन में। पारस ने यहाँ के लोगों ने लिखा है, पोस्टर बनाया, उसका सेंस ये है कि पासवान जी हमारे बड़े भाई थे, उनका नाम था राम विलास, और वो टीका लगा रहे हैं किसी अफसर पर होगा जो छोटे भाई। हमको लगता है कि जिस दिन हाजीपुर का हम लोग चुनाव नॉमिनेशन करने आए थे उस दिन वो टीका लगाए थे, उसी पर इन लोगों यहाँ के वर्कर ने लिखा कि राम के राह पर चले पारस। वो रामचंद्र जी नहीं, ये राम हुए जो हमारे बड़े भाई। तो क्या ये क्लियर हुआ आपको जी? अगले चुनाव का ये संकेत है क्या कि विरासत का जो लड़ाई चल रहा है? कौन सी लड़ाई चल रहा है? चिराग जी भी लगा। अरे कौन सी लड़ाई चल रहा है? कमाने वाला खाएगा, क्या बात अब करते हैं? कहाँ से चर्चा उठा के ले आते हैं? वो पहले उससे पूछिए कि कौन गठबंधन में है। पासवान जी कहा करते थे भाषण में, आप लोग भी सुने होइएगा, कि रोड पर वही जानवर मरता है जो डिसीजन नहीं लेता है कि हम पूरब जाए या पश्चिम जाए, उसकी स्थिति वही है। वो एनडीए गठबंधन में है, आरजेडी गठबंधन में है, वो पहले वो फैसला करें।